दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo V9। जी हाँ दोस्तों, Vivo V9 आमिर खान की एड हमने हर जगह देखी है। Vivo V9 के कैमरे की क्लियरिटी बताते हुए हमें दिखते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V9 के कैमरे के कुछ खास फीचर्स के बारे में। कैमरा ऐसे ही क्लियर नहीं बनता है, इसके लिए हमारे पास जरूरी है कुछ फीचर्स पता होना, यानी कि आप उसे कह सकते हो कुछ सीक्रेट ट्रिक पता होना, कुछ हिडन ट्रिक पता होना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं नया मोबाइल लेना है जिसका कैमरा अच्छा है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि Vivo V9 लेना है, या फिर आपके पास है Vivo V9 लेकिन आपको पता नहीं है कि कैमरे की कुछ सीक्रेट ट्रिक है भी या नहीं भी, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। Vivo V9 के कैमरे के कुछ सीक्रेट ट्रिक बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा वीडियो आएगा पसंद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक बटन उसको प्रेस कीजिएगा, और साथ ही साथ किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे ही टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों Vivo V9 के कैमरे के कुछ ट्रिक के बारे में बात करने वाले थे। दोस्तों हम जब भी कोई भी मोबाइल से सेल्फी लेते हैं तो हमारे जो ये टी शर्ट या पे कोई भी नाम होता है वो सीधा उल्टा आता है सेल्फी के अंदर। तो दोस्तों Vivo V9 में ऐसा नहीं होगा। Vivo V9 में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये टी शर्ट का जो कोई भी होता है, जैसे नाम होता है आपका, कुछ भी होता है, वो उल्टा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग में जाते ही आपको देखने को मिल जाएगा मिरर सेल्फी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, देन आप कभी भी सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी आप जब भी लेके चेक करेंगे तो वहां पे आपके जो है कैमरा का जो ये सीन है वो उल्टा नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान में रखना है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ये बात आपने ध्यान में रख ही ली होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं Vivo V9 कैमरे की दूसरी ट्रिक के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको सेटिंग में जाना होगा। दोस्तों हम जब भी मोबाइल के अंदर सीन लेते हैं तो Vivo V9 के कैमरे का फुल सीन आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया सीन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं Vivo V9 के कैमरा के यहाँ पे, तो ये सीन जो है बहुत ही बढ़िया सीन यहाँ पे निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बात करूंगा मैं कि यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल लेते हैं। पहला नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल में करते हैं तो आपको मोबाइल की जो स्क्रीन है वो छोटी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप वही चीज करते हैं जैसे कि आप नॉर्मल से आप करते हैं फुल में, तो यहाँ पे जो ये कैमरा है वो फुल में दिखाई देगा। जैसा कि आप अभी इसे देख पा रहे हैं, ये फुल में है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं फिट में आए या फिर स्क्वायर में आए तो फिर आप स्क्वायर में भी ले सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा सीक्रेट फीचर है, मेरे हिसाब से फुल वाला बेस्ट फीचर है यार। फुल में ऐसा मतलब पूरी तरीके से आप देख पाते हैं, पूरी पूरी स्क्रीन इसमें कवर कर रखी जाती है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये फुल वाला सीन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो है मेजोरिटी कवर करी जाती है, तो यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। और इसका जो लुक मिलता है पूरा का पूरा कैमरे वाला काफी बढ़िया है, और मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला फीचर यही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरी ट्रिक की, और तीसरी ट्रिक आपको कैमरा ओपन करना होगा, और दोस्तों यहाँ पे जो लाइव कैप्चर्स होते हैं या फिर लाइव फोटो होता है आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको जो कैमरा है ये बटन दबाए रखना है। जैसे आप दबाए रखते हैं तो जितने भी कैप्चर होंगे वो फोटो कैप्चर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कैमरा दबाए रखता हूँ और मैंने जितने भी कैमरे दबा रखे हैं, इसके बाद यहाँ पे मैंने ये करा, इसके बाद जैसे ही मैं इसे प्ले करूंगा गैलरी में जाकर के, आपको अंगुली टच करके रखनी है। तो ये देखिए जैसे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा है, आपको टच करके रखना है। आप टच करके रखेंगे देन आपका जो काम है वो होगा। तो ये जो फीचर है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको गिफ्ट फोटो बना सकते हैं या फिर आपको छोटी सी क्लिप बना सकते हैं जो फोटो से मिलकर बनती है। ये फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा जो कैमरे में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो है वो अलग सा फीचर्स है, आपको एल्बम है या फिर आपका कोई भी फोटो है आपको उसके अंदर जाना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये फोटो ले लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है दोस्तों, एडिट करने के लिए आपको एडिट ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। जो ऑप्शन अच्छे अच्छे ऐप नहीं दे पाता है वो ऑप्शन आपको इस Vivo V9 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप बहुत मतलब ये वो कहते हैं ना स्टूडियो लाइट देखने को मिल जाती है, और अच्छे से अच्छी आप एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं। Vivo के V9 में आपको बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हम एडिटिंग की बात कर ही रहे हैं, तो Vivo V9 के एडिटिंग से रिलेटेड एक और फीचर है जो कि काफी अच्छा फीचर हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने गैलरी खोल रखी है, यहाँ पे मैं कॉलेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉलेज कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे फोटो सेलेक्ट करने होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक दो फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये 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 और ये, इन्हें मैं कॉलेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉलेज करने के लिए यहाँ पे अलग अलग लुक आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इनमें ऐसा नहीं है, मैं फोटो को सेट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे फोटो को एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि काफी अच्छा फीचर मेरे को लगा। कॉलाज मेकर कह सकते हैं इसे, यहाँ पे आपको अलग ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया फीचर है ये, बहुत 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 ही बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सेल्फी लेते वक्त हमारा जो अंगूठा है वो वहाँ पे क्लिक बटन तक नहीं पहुंच पाता है, और हम सही तरीके से फोन हिल भी जाता है, उसी तरीके से जो है हमारे पास वो फोटो क्लिक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे पीछे आप यहाँ पे फोटो पर रख सकते हैं, और जैसे ही आप फिंगर पे जो ये स्कैनर है इसके ऊपर आप फिंगर रख सकते हैं तो देन यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाएगा, आपको सेकंड नहीं लगेंगे फोटो क्लिक होते वक्त। बहुत ही बढ़िया फीचर्स ये मेरे को लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फोटो खींचना चाहता हूँ तो मेरे को केवल क्लिक करना है, इसके सिवाय मेरे को कुछ करना भी नहीं है। तो ये भी फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा Vivo V9 का, और आप इसे कैमरा में यूज भी कर सकते हैं, फोटो लेते वक्त आप इसे यहाँ पे क्लिक करके आसानी से यूज भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हम बात कर ही रहे हैं कि कैप्चर करने के लिए ये फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा है, तो आपको मोबाइल में भी एक सेटिंग मिल जाएगी जहां पे आप अपने साउंड से फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पाम से करना है तो आप पाम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने पाम के ऊपर क्लिक कर रखा है, जैसे ही मैं पाम बताऊंगा फोटो क्लिक हो जाएगा, जैसे ही मैं बोलूंगा क्लिक तो फोटो क्लिक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फीचर्स मेरे को काफी अच्छा लगा, जहां पे आप ऐसे फोटो रख दो, बोल दो क्लिक या फिर पाम, तो कहीं ना कहीं आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, आपको ज्यादा ऐसी कुछ जरूरी है नहीं। और अदरवाइज ये फिंगर वाला तो ऑप्शन आपको देखने को मिल ही जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी आपने इन दिनों में देखा होगा कोई भी नया मोबाइल आता है उसमें एक बात इनबिल्ड आती है कि आप फोटो कैप्चर करते हैं तो उसमें वाटरमार्क जरूर आता है, जिसमें मोबाइल का जो प्रमोशन हो जाता है, टाइम वगैरह नहीं आता है लेकिन मोबाइल का नाम जरूर आता है, स्पेशली मेरे फोटो में, क्योंकि मैं जो लेता हूँ वो तो आप जानते ही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात वीवो में नहीं रखी गई है, क्योंकि आप चाहें तो वीवो का नाम ले सकते हैं, अदरवाइज आप वाटरमार्क हटा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप फोटो करते हैं फोटो को प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप ये भी चाहते कि उसमें कहीं ना कहीं टाइम और डेट भी आए तो वो भी आएगा, तो Vivo V9 का ये फीचर्स भी काफी अच्छा है। आप वाटरमार्क हटा भी सकते हो, टाइम और डेट लगा सकते हो अगर आप चाहते हो आपको प्रिंट निकालना है तो। अब हम बात करेंगे कुछ एडिटिंग से रिलेटेड फीचर जो आपको देखने को मिल जाते हैं Vivo V9 के कैमरा के अंदर, यानी कि Vivo V9 कैमरा में आपको देखने को मिल जाता है फेस ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ लोग जो होते हैं वो एडिट करते हैं ऐप को या फिर कुछ और मतलब इंस्टॉल करते हैं, लेकिन Vivo V9 के कैमरा में आपको पहले से देखने को मिल जाता है फेस ब्यूटी। उसका यूज करके आपको लगता है कि आपका फोटो आप और भी ज्यादा औसम बना सकते हो तो फिर बना सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि फेस ब्यूटी के ऊपर क्लिक कर लूँ, और यहाँ पे देखो ये फेस ब्यूटी के ऊपर मैंने क्लिक कर रखा है, और इसके साथ मैं चाहता हूं इस तरह से क्लिक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और काफी अच्छा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, अच्छे परिवर्तन भी हो रहे हैं, तो ये बात भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखने वाली है। साथ ही साथ आप में से काफी लोग ये भी पसंद करते हैं कि हम अपने फोटो को प्रोफेशनल तरीके से यूज करें, फोटो को प्रोफेशनल तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं Vivo V9 में आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्रोफेशनल में आपको जाना होगा और वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रोफेशनल में आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो वो एडिटिंग है वो प्रोफेशनल तरीके से करनी होगी, है ना। आपको सेटिंग्स वगैरह सब कुछ आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी बटन दबा दिया एंड देन फिर वो हो रहा है आपका काम नहीं हो रहा है, तो फिर ये भी बात आपको बहुत ही हद तक ध्यान में रखनी होगी। और Vivo V9 के कैमरे में ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको पहले से ही स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, हम कह सकते हैं AR स्टिकर। यहाँ पे आपको आना होगा और जैसे ही आप यहाँ पे साइड में आते हैं तो देन दोस्तों यहाँ पे AR स्टिकर नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। AR स्टिकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टिकर आते हैं, जैसे मैं बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा हूं वैसे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये AR स्टिकर को मैं हटा देता हूं, वैसे मुझे कुछ नन रखना है तो या फिर नन्स, तो देन आप AR स्टिकर्स को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे लगाना है ऐनक, तो यहाँ पे ऐनक, तो कहीं ना कहीं AR स्टिकर आप पहले से इसमें इनबिल्ड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों काफी अच्छे फीचर लगे हैं मुझे इसके, और Vivo V9 का ये फीचर्स काफी औसम है। Vivo V9 मेरे पास है और इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें इसके अंदर सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
रिलेटेड, तो आपको वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करना है ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद ही आएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए कहूँगा बाय बाय एंड टेक केयर।